अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, मां है शेफ फैसल तानी, सोके कुकिंग शो में सब खैरियत सां हूंदा। पैसिफिक कुकिंग ऑयल सां ठाहींदा आहियूं खाधा, विटामिन ए ऐं डी सां भरपूर, कोलेस्ट्रोल खे कंदो आहे कंट्रोल, बेहतरीन कुकिंग ऑयल, पंहिंजनि जो प्यार, पैसिफिक कुकिंग ऑयल। ऐं हाणे अॼु खाधा न ठाहींदासीं, मां सोचियो की गर्मियूं आहिनि त तव्हांखे ड्रिंक्स ठाहे सेखारियूं। शरबत जेको असां गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत हूंदी आहे की असां पाणी वधीक खां वधीक पियूं, त शरबत जी सूरत में अगरि पाणी नथा पियो, सादो घटि में घटि 10-12 ग्लास पीअणु खपे। गर्मी में वधीक पाणी पियो, डिफरेंट तरीक़े सां तव्हांजी ड्रिंक्स ठाहे पियो ऐं ॿारनि खे ॾियो, महिमान अचनि था उन्हनि जे लाइ। त मां अॼु तव्हांखे शरबत ठाहिणु सेखारियां पियो। हिकिड़ो ठाहियां पियो गुलाब जो शरबत रोज़ जो, ठीकु आहे, ऐं हिकिड़ो मां ठाहियां पियो इलायची जो शरबत, ठीकु आहे। ॿई शरबत ठाहे बोतल ठाहे रखंदा आहियूं, जीअं पोइ उनखे पाणी में विझी जीअं ठाहींदा आहियूं। तमामु ईज़ी, काफ़ी सारा शरबत आहिनि, काफ़ी फ्लेवर आहिनि। इनशाला कोशिशि कंदमि रमज़ान खां पहिरीं तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां, छाकाणि त रमज़ान में पोइ असांखे टाइम एॾो न मिलंदो, लिमिटेड टाइम हूंदो आहे, कमर्शियल ज़्यादा हूंदा आहिनि, उनमें रमज़ान जी चटपटी रेसिपीज़ हूंदियूं। त इहे सभु रेसिपीज़ नोट कजो, ॿई अॼु जेका ड्रिंक्स ठाहींदियूं, ठीकु आहे। अॼु की जो रेसिपी आहे उसमें मैं बना रहा हूँ ड्रिंक्स। वैसे हम बनाते हैं पैसिफिक के साथ खाने, विटामिन ए और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है बेहतरीन कुकिंग ऑयल, अपनों का प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल। लेकिन आज मैं खाने नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट मैं ड्रिंक्स बना रहा हूँ, क्योंकि सर्दियाँ नहीं, गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कम अज़ कम 10-12 ग्लास पिए। वरना आजकल जो हमारा वेदर चल रहा है उसमें आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे आपके लिए उतना फ़ायदा है। तो आज मैं ड्रिंक्स बनाना सिखा रहा हूँ, ड्रिंक्स में इनके शरबत बनाना सिखा रहा हूँ, जो हम बॉटल में भर के रख देते हैं। 2-3 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकती हैं, इलायची का शरबत और गुलाब का शरबत। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही ईजी हैं और क्विक रेसिपीज़ हैं। घर में बनाएं ड्रिंक्स को और बोतल में भर के फिर आप ठंडा करके फ्रिज में रख दें और 3 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकती हैं। 1 ग्लास पानी में 2-3 टेबल स्पून शरबत डालें, बर्फ़ डाल के और मिक्स करके आप, और अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं रमज़ान के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। जिस क्वांटिटी में बना रहा हूँ देखें कितनी बोतल बनती हैं, 2 बनती हैं, 3 बनती हैं। और अगर आप ज़्यादा बल्क में बनाना चाहती हैं तो बहुत ज़्यादा इसको डबल क्वांटिटी करके बना लें। और भी फ्लेवर्स में कोशिश करूँगा कि इसी मंथ में काफ़ी सारी ड्रिंक्स बनाना सिखाऊँ जो आप रमज़ान में यूज़ करें, ठीक आहे। अॼु जी जेका आहे, हिकिड़ो त ठहंदो इलायची जो शरबत, ठीकु आहे। हिन लाइ असां नंढा फोटा खाइनि एतिरा खणो की हिकु मुठी में अची वञनि, मीन्स की हिकु चांहि जो कप जेतिरा नंढा फोटा हुजनि, लेकिन सुठी क्वालिटी जा हुजनि। हिन में ईंदा आहिनि जंहिंमें धाणा घटि हूंदा आहिनि, कीड़ा बि हूंदा आहिनि, पुराणा रखियल हूंदा आहिनि, बिल्कुलु फ्रेश हुजनि, सुठा वठिजो। ऐं हिनखे तक़रीबन हिकु जग पाणी सां गॾु या 3 ग्लास पाणी सां गॾु 4 कलाक पिसाए रखंदो, ठीकु आहे। हे 4 कलाक पिसाए रखिणो आहे हिनखे, ताकी नरम थियनि पंहिंजा ॿिज कटिबा, ठीकु आहे। 1 लीटर कम अज़ कम यानी 4 ग्लास जितना पानी हो या 3 ग्लास जितना पानी हो, उसमें आपने इलायची लेनी है 1 कप, अच्छी क्वालिटी की लें। इसमें कीड़े भी होते हैं, पुरानी भी होती है, और कुछ ऐसी होती है जिनमें बीज कम होते हैं, लेकिन अच्छे दाने वाली लीजिएगा। इसको आपने 4 घंटे भिगो के रखना है, ठीक है। 4 घंटे भिगोने के बाद इसको हल्का सा मस लेंगे, फिर इसमें मज़ीद 1 लीटर पानी डालेंगे, यानी 8 गिलास। 1 लीटर में 4 गिलास आते हैं, 8 गिलास पानी के साथ हम इसको करेंगे बॉयल। बॉयल करने के बाद इसको छानेंगे, 15-20 मिनट बॉयल करना। उसके बाद हमने 2 कप चीनी डालनी है, उनका पो 2 कप खंड यूज़ करनी है, ठीक है। खंड सा गड इनकी चाश ठांदी, उनका पो इनमें साओ कलर विंदो, ठीक है, ग्रीन कलर, इलायची के हिसाब से ग्रीन फूड कलर दिंदो। लेकिन वो या कंपनी जो वर्जो या तो ही बोतल में अड़ो प्लास्टिक की बोतल में मिले तो, या लिक्विड फॉर्म में पानी वगैरह मिले तो, वो इनसे अगर विझंदासीं में रू केवड़ा, केवड़ा वाटर होंदो आहे, ठीक आहे, रू केवड़ा इहो मिली वेंदो आहे। इहो असां विझंदासीं हिन में 1 खां 1.5 बल्कि 2 खाइण जा चमचा करे छॾिजो, वधीक सुठी ख़ुशबू ईंदी। पोइ हिनखे थधो करे असां बोतल में रखंदासीं। सॼो प्रोसेस मां ॿुधायां थो, पाणी बि पी वठां, उन लॻे पई त पाणी पीअणु तमामु ज़रूरी आहे, ठीकु आहे। उसके बाद हम बनाएंगे गुलाब का शरबत। गुलाब जे शरबत लाइ असांखे खपे खंड 750 ग्राम, 3 पा खंड आहे, ॻाढ़ो फूड कलर वेंदो। हीअ आहे अरके गुलाब, हेतिरी बोतल बि मिले थी, वॾी बि मिले थी, असांखे पूरो 1 कप अरके गुलाब खपे, ठीकु आहे। 1 कप अरके गुलाब जाएगा, रेड फूड कलर जाएगा, और इसमें चीनी जाएगी 750 ग्राम, बस ये बनेगा गुलाब का शरबत। बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनते हैं। स्टार्ट करियूं था, सभिनी खां पहिरीं असां छा था कयूं, इलायची जो है हटाई था छॾूं, चॉपिंग बोर्ड जो कम आहे कोन असां वटि, चॉपिंग बोर्ड साइड में करे था छॾूं, ठीकु आहे। हथ धोई वठां, इलायची जो जेको आहे शरबत ठहंदो, इलायची का जो शरबत बनाएंगे, हैंड वॉश करके अच्छी तरह पहले इसको भिगो दें, देन आपने इसको इस तरह मस खोल देना है इसके, ताकि बीज निकल आए, देखें, ठीक है। इलायची को एक दफ़ा धो के फिर भिगोइएगा, इस पर भी मिट्टी होती है। इस तरह आपने एक दफ़ा धोने के बाद इसको
भिगो देना है, ठीक है। एक दफ़ा धोने का नंढे फुटन के पिसाए छो, मिट्टी होंगी है, इनमें मिट्टी ना है, साफ़ है, लेकिन जो कलर अचे पे थोड़ो सो छिलकन जो कलर है, ठीक है। ये जो लाइट सो येलो कलर थी वो है, छिलकन जो कलर है, इन तरीके से इनके माटे छो ताकि इनका बिज जो निकली अचन, ठीक है। दोनों हाथों से मैं कर रहा हूँ, अच्छी तरह इसको इस तरह मसलें हैंड वॉश करके, ताकि इसके बीज निकल आए, जो ना खुल रहे हैं उनको हाथ से हल्का हल्का खोलते जाए नरम करके, ठीक है। कॉल बैठ हूँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हिना नईम बात कर रही हूँ जी। क्या हाल है हिना? मैं ठीक हूँ। फैसल भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल, दुआएं आपकी। किस शहर से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ जी। जी, कुछ कहना चाहेंगी? जी, मुझे आप गुलाब जामुन बनाना सिखा दें। गुलाब जामुन मैंने हालांकि बनाए थे, मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो आप अगर पेज पे देख लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, आपको मिल जाएंगी रेसिपी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, गुलाब जामुन की रेसिपी अगर किसी को चाहिए तो गुलाब जामुन दो तीन किस्म के हैं। एक ब्रेड के गुलाब जामुन है, डबल रोटी के, एक मैंने बनाए थे मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन, ठीक है, और एक मैंने खोए के बनाए थे बहुत पहले, तो वो तीनों रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। चंगी तरह इनके नरम कबो, ठीक है, ताकि है खुली बनन। 4 घंटे भिगोने का मकसद ये होता है कि ये अच्छे से खुल जाएं। अब ये हो गई है, ताकि इसमें इसकी खुशबू आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई है, अब हम एक कढ़ाई या पतीला लेंगे, इसमें डाल देंगे इलायची इसी पानी के साथ, ठीक है। इसमें और पानी डालते हैं और इसको तेज़ आंच पे बॉयल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनमें बॉयलिंग इंदी 10 मिनट ताई बॉयल कर दो, ठीक है। अब इसको इतना बॉयल करना है कि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए पानी के अंदर इलायची का, क्योंकि इलायची का शरबत है, ठीक है। और बाकी इसमें जाएगा रूह केवड़ा, एक होता है अरके गुलाब, एक होता है केवड़ा वाटर। अगर केवड़ा वाटर नहीं है तो केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, बॉटल में मिलता है। केवड़ा वाटर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून, केवड़ा एसेंस आप डालेंगे 1 चाय के चम्मच से भी कम, तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, 3/4 टीस्पून ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। 70% डालना है। केवड़ा वाटर जो है वो अरके गुलाब में फ़र्क होंगे, गुलाब होंगे रोज़ वाटर, केवड़ा होंगे केवड़ा वाटर, ये डिफरेंट खुशबू होंगी है, थोड़ी तेज़ खुशबू वो वट जो डीसी, ठीक है। एक हल्की खुशबू वो हों, हल्की सस्ती कंपनी जो हों, सुठी कंपनी जो हों, तेज़ खुशबू होंगी है, तो वो वट जो नालो मैं नो वी कंपनियों सुठी सुठी काफ़ी है, सस्तो है, जो महंगो न तो मिले, 30-35 रुपये 40 रुपये की बॉटल मिले थी, इनका मथे ना तो इन समझो 200 जी होंगी। तो यो जर्दे जो मिठो ठाईंदा आयोजन, कौरमो ठाईंदा आयोजन, जर्दो ठाईंदा आयोजन, बिरयानी ठाईंदा आयोजन, उनमें भी असा की जरूरत पवी है, तो वही घर में रखी छोड़ो। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फैसल कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी? फरजाना शाकिर जी, अल्लाह का शुक्र, आज तो बहुत ही अच्छी चीज बना रहे हैं आप शरबत। हाँ, आज अच्छा किया आपने ये रखा, पता है बहुत गर्मी भी पड़ रही थी, गर्मी भी पड़ रही है, रमजान भी आ रहा है, तो मुझे फिक्र हो रही थी, मैं कहा ड्रिंक्स बनाना सिखाऊं जो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और रमजानों में आप मतलब पिछले साल तो आपने पकौड़ों की वैरायटी बहुत दी है ना, लेकिन थोड़ा जो है ना पकौड़ों की वैरायटी कम रखिएगा आप इस दफा ना। हम जैसे लोगों के लिए भी जो है ना कोई चिकन ब्रोस्ट बर्गर बच्चों के लिए इस टाइप की चीजें जरूर। बिल्कुल इंशाल्लाह, जरूर मैं जरूर बनाऊंगा। और जी, और जो है फैसल वो आपको मैं मुबारक दूं एक बात की? नहीं 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 दे देती हूँ, आप पता है आपके कैमरा मैन जो है ना उन्होंने कोई बात वो छुपाई नहीं है। अच्छा चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आपकी अंगूठी चेंज हो गई है भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। अंगूठी चेंज हो गई है? ये तो मैंने वैसी पहनी हुई है। अच्छा, वो नहीं आप दूसरे पहनते हैं ना, अभी उन्होंने ऐसा फोकस किया, मैंने कहा चलो मैं फैशन से बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अंगूठी तो मेरी है, मैं वैसी पहन के आ गया था। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ, खैर ऐसी बात नहीं है, आप जा रहे खुश रहे, आप आ रहे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत दुआएं और सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इलायची इतने बॉयल थे पे, ठीक है, इनके चंगी तरह बॉयल कंदासी, इन में खंड सॉरी 2 कप असा खंड विझंदासी, खंड पीसे भी विझी सको था, खंड नॉर्मल भी विझी सको था, ठीक है। बहुत इजी रेसिपी, लेकिन इसको आपने ठंडा करना है, ठीक है। ठंडा करने के बाद आपने बोतल में भरना है और फिर रखना है, ज़रा भी गर्म हुआ तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो ख़राब हो जाता है रखने से, ठीक है, इसमें जाला आ जाता है। और उसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ,
शीरा इसका इतना पकाएं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद आप देखेंगे बोतल के नीचे चीनी की एक लेयर आ जाती है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना उसको बॉयल किया है, ठीक है। वो चीनी की लेयर नहीं आनी चाहिए, इतना नॉर्मल इसको शीरा गाढ़ा करें कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, कि बिल्कुल बाद में चीनी की तरह जमना शुरू हो जाए अंदर इस चीज़। और अगर जमना शुरू हो जाता है, इन केस अगर फ्रीज़र में या फ्रिज में रखते हैं जमना शुरू हो जाता है, तो आप क्या करें, प्याले में हल्का सा नीम गर्म पानी करें और उस बोतल को उसमें रख दें 5 मिनट के लिए, वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे होगा नहीं, आप ज़्यादा उसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मी है तो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ये जो हम लोग बनाते हैं होममेड जो चीज़ें होती हैं, इनकी जो क्या कहना चाहिए टाइमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2 से 3 मिनट 3 मंथ होती है, ठीक है। जो असा शयूँ होम मेड ठाईंदा आयोजन मीन्स के ठाईं तक सिखारा कंपनी वाला जो ठाईंदा उनमें अड़ा केमिकल्स विझंदा अड़ा एसेंस विझंदा कि वो 5 साल ताई उन्होंने एक्सपायरी होंगी, 4 साल 3 साल अचार आया कुछ अड़ी शन जो ड्रिंक्स रहा, तो वही शे असा नाता ठाई सकूँ, वो काफ़ी प्रोसेस का गुजरी अचन थी, तो वही शे कोशिश करना तक ईजी वे में ठाण सिखारियूँ, तो घट क्वान्टिटी में भली ठा महीने 1.5 महीने में ख़त्म कर छो वरी ठाओ सस्ती भी पे थी, और अगर बाहर वी यूज़ करो तो काई गाल वो भी सुठी होंगी साफ़ सुथरी होंगे, लेकिन ये आसान तरीको है घर में अचान खपे तक हर शे जरूरी ना कि तुम बाजार का वी जो कुकिंग शोज थन्दा चैनल्स से तहाँ की सहूलत न होंगे तहाँ एक्सपर्ट थो वही शे जो बाहर महंगी वी सूँ था वह हाफ क्वान्टिटी हाफ प्राइस में तक घर में ठही थी वे वही सागा मसाला हूँ वही सब शूँ होंगे फ्लेवर भी तक सेम मिली तो उन्हें जरूरत है कि बाहर वही रो पैसो खर्च क्यों सुठो साफ सुथरो हथन से ठाई खाराया तो सेहत ला सुठो होंगे इतने ऐसो इन बॉइलिंग अचे पी ठीक है इसकी बॉइलिंग आ रही है इसको स्पून चलाते हैं अच्छा से इसमें फ्लेवर आ जाए खुशबू आ रही है इसकी बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू आ रही है इलायची की जो फ्लेवर है वो खुशबू है इसमें आ रही है ठीक है पानी में इनकी खुशबू अचे पी इनके 15 से 20 मिनट बॉयल करो है पानी से अगर ये फुलजी वही है सफ़ा ठीक है इलायची उनका पर इनके छानी में विझी इनको पानी अलग कंदासी ठीक है तमाम बेहतरीन है यो शरबत तमाम ज़बरदस्त है इनका पर रोज़ जो है गुलाब जो शरबत गाढ़े कलर में ठो भी तक ठाई सकस ठीक है इनशाला बटे किस्म जहाँ बया लीची जो है काफ़ी सारा फ्लेवर्स हैं रूह अफ्ज़ा शरबत जी अस सॉरी नाल वन खे ढो शरबत जो अस वा कंपनी जो वो भी मैं कोशिश कदम तक सेम फ्लेवर में ठाण सिखारा ड्रिंक्स हैं लस्सी है काफ़ी सारा शरबत्स हैं इनशाला रमज़ान का पैर छा रमज़ान में कुछ हों कि टाइम एडो घट हों कि उनमें रेसिपी कदम ठाई कदम बी कमर्शियल्स से डिपेंड कर उनमें ड्रिंक मुझे दुखी थी वी ठाण कढ़ जो मैं तक सिखारा पो पेन ही पन्नों रखा कर हर शे के डिटेल में लिखा करो रजिस्टर ठा रखो यो ना है कि बाद में काफ़ी अदी अड़ी कि मुझे मैसेज कन्दून कॉल कन्दून अदा यह शे ठाण सिखारो वह शे तिसंदा भी आयो तो लिखा ना आयो तो लिखी वा कर बेस्ट है सारी उम्र तक यादगार रही याद रही इन शे ठीक है कॉल है कॉल वूँ तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अदा जी अदी हाल है अदी शाजिया हाँ अदा मां ठीक आया तां बुधा तां की आयो दुआओं तां जो हाँ काफ़ी दिन का लाइव तक दिखा ढी खुशी भी ऐसी कर माशा रेसिपी तमाम जबरदस्त अज भी डिफरेंट है तमाम जबरदस्त ड्रिंक्स पाठा बिल्कुल जरूर ठाजो गर्मी की जबरदस्त ये ड्रिंक्स हाँ बिल्कुल अदा जरूर ठाईंदी जी अदी हाल मौसम अदा हाँ मौसम भी तमाम जबरदस्त है गर्मी तो है पर माशा शाम जो हवाओं थी लगन थदू थदू तमाम बेहतरीन मौसम भी है अदा सो फ्रूट जो मतलब ड्रिंक्स सिखार पपीते जो छाही जो पपीते जो तहां जो मुख्य चो पे लाइक जी शेक हुंदो है ना जी जी उन टाइप जो तहां चाहो पिया जी जी ठीक है मां दिसा तो इनी हफ्ते में या नेक्स्ट वीक में ठाया तो ठीक है हां दा जरूर ठा सिखा जो असा के जरूर ठीक है दा ठीक है दी पंजो ओके लाफ मेहरबानी लाफ है अच्छा ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक जे दौरान मैं इनके छाणे तो वठा ठीक है आई हने का पॉइंट के वरी प्रोसेस में रखंदा सी वटू के भी शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक नाजी ब्रेक करने का पहली ताएँ सामू ये ऐसो इसका आप कलर दे सकती हैं अच्छी तरह मैंने इसको छाना है इस तरह आपने
20 से 25 मिनट इसको बॉयल करना है अच्छी तरह, ठीक है, ताकि इसका सारा फ्लेवर निकल आए। चाहे तो इसके बीज जो हैं वो इसमें मिला दें, ठीक है, जो बीज इसके निकल रहे हैं वो मिला लें मसल के। वैसे मैं नहीं डाल रहा हूँ बीज, अगर आप डालना चाहें तो थोड़े से इसके बीज ये जो रह गए साइड में ये थोड़े से डाल देते हैं, ठीक है, अच्छे लगते हैं, खुशबू रहती है इसके अंदर। थोड़ा सा बीज इनके अंदर बीजी चढ़िया, बाकी गार्बेज कर देता चलूँ, डस्टबिन में मैं बीजी चढ़िया गार्बेज कर दें। अगर नहीं तो इन्हीं इलायचियों को आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसमें फ्लेवर आ गया, इसके कलर आ गया, हाँ गलती था, ठीक है। पैसिफिक कुकिंग ऑयल से ठंडा इन खाता, विटामिन ए एंडी का भरपूर, कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल कंदो आप बेहतरीन कुकिंग ऑयल पंजन जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल अज असा ठाई पाया शरबत एक इलायची जो शरबत गुलाब जो शरबत, ठीक है। हे वापस विधो पानी के अंदर चंगी तरह मसले, ब कप पूरे मापे विझणी है, पूरा मापे लाइन, ब कप खंड, दो कप चीनी पूरी नाप के आपने डालनी है, ठीक है, ज़्यादा ना हो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। चूल्हा तेज़ कर दें, इसको चीनी को इसमें डिजॉल्व करना है, ठीक है, अच्छी तरह, हाँ अच्छा मैं हाँ अच्छा ये हो गया। अच्छा चीनी में सोडा भी होता है, ठीक है, चीनी में सोडा जब ये बनती है तो इसमें सोडा डाला जाता है, तो इस वजह से भी ये ख़राब नहीं होती। जब हम शरबत वगैरह बनाते हैं 3 महीने तक जो हम बोलते हैं ख़राब नहीं होता, इस वजह से भी होता है क्योंकि इसमें सोडा होता है, जब ये प्रोसेस से गुजरती चीनी बनती है। कॉल वठूँ था अहिन में गड गड माँ साओ कलर भिजा पे हसबे ज़रूरत अध चाय जो जमचो, ठीक है। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कह रहे हैं कितना गला पे आप? हम सिंजोरा से बात कर रहे हैं, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल भाई आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है? फैसल भाई मुझे आपसे कहना था कि हम पिज्जा में जो रेसिपी बनाते हैं चिकन टिक्का की, ठीक है, वो आप रिपीट करवा दे प्लीज ओरली। चिकन टिक्का की रेसिपी या चिकन टिक्का पिज्जा के लिए जो बोटियां बनाती है उसका आप मेथड पूछ रही है जो मसाला डलता है? नहीं जो मसाला डलता है चिकन टिक्का वाला पिज्जा में, वही मसाला मतलब जो बोटियों का आप मसाला बनाना चाह रही वो पूछ रही है जी। कितनी क्वांटिटी में होंगी? आधा किलो है चिकन? जी जी चलें ठीक है, आप मैं ऑनियर बताता हूँ आपको, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ग्रीन फूड कलर हमें इतना डालना है कि इसमें कलर अच्छा आ जाए, ठीक है। साओ कलर विधो अध चाय के चमचे जो लिक्विड में आए पाउडर में खुलो ना वट जो वरी बुधाया पे वो सही ना हों जो असर दीवारों से कलर थो चूनो थो वो भी अजकल पैकेट्स में विझी विकणन पाया खुलो वो ना वट जो हे जो दबी तुम ऐसो पे ही 20 रुपये या 18 रुपये की एडी महंगी ना, लेकिन काफ़ी सारा होंगे कंपनी जी इन कर साफ़ सुथरी है। मैं हमेशा प्राइजिस तुम चाहता हूँ प्राइजिस चो तो बुधा इन कर ताकि हर शे की अवेयरनेस हुए खबर हुए ताकि तुम वी सो महंगी ना लगे तक हर शे सस्ती होंगी है। इनके चंगी तरह बॉयल कहसी जो इनमें बॉयलिंग अचे पी इनमें विझासी असा केवड़ा वाटर, ठीक है, ही मिल रू केवड़ा पानी वागर जी ही अरके गुलाब है इन तरीके से ही पानी मिल, ठीक है। केवड़ा वाटर भी पानी का लिक्विड फॉर्म में मिलता है, एसेंस कोशिश करें ना डालें, एसेंस बहुत तेज़ हो जाता है, वाटर से फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन इसमें भी अच्छी कंपनी का लें, एक लोकल भी आते हैं बिल्कुल उसमें खुशबू नहीं आती, जिसमें तेज़ी हो वो लें, ठीक है। ये मैं इसमें डालूंगा 2 टेबल स्पून भर के केवड़ा वाटर। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम, अहीं तेज़ बॉयल। वालेकुम सलाम, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, नाम छा लाइन ये तो ठीक है। अगर ये रेसिपी खाया था अदर ये थोड़ा प्लीज रिपीट कजो इन जो बुधाई जो ताकि केतरी देर इन के बॉईल कयो इलायची के? जी जी 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट सही है, 4 कलाक अदर भी केरी डिश आया था 4 कलाक इन के पिसाइणो है उनका पो ता इन के मसलन दो चंगी तरह जब इज निकरी अचन पानी में 2 लीटर पानी हो जे उनका पो ता इन के बॉईल कंदो यानी 8 गिलास पानी उजन खपे बॉईल कंदो अध कलाक 20 मिनट बॉईल कंदो तेज़ बाहे ते उनका पोन के छाणे वापस विझणो आ पो 2 कप खंड विझंदो उनका पो अगे प्रोसेस ता लाइट ना है छा तांट? जी जी अब लाइट आ है दिसु बे सिर्फ ये टाइम पूछनो हो। हेलो ठीक आ बियो भी मसाए पे गुलाब जो शरबत? जी हां यदा सबे नदन के सलाम। वालेकुम अस्सलाम, पंजो ख्याल रख जो, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अच्छा इनके चंगी तरह बॉयल करो, अच्छी तरह इसको बॉयल होने दे, इसको हम शिफ्ट करके सेकंड साइड पे इन पासे अध कलाक या 20 मिनट इनके बॉयल थे दियो ताकि जो शीरो ठाए पानी खंड पानी छड़ी है, ठीक है, चीनी पानी छोड़ती है और उस पानी को भी हमने ड्राई करना है, चीनी का पानी भी इसमें ड्राई होगा, इसमें शीरा बनेगा, 2 तार का जैसे शीरा होता है वैसा ही शीरा बनेगा,
इतना ज़्यादा ना हो जो हम जलेबियों के लिए मिठाई के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा कम हो। आपने शरबत देखा होगा हम जो लेते हैं बोतल में होता है उसको निकालते कितना गाढ़ा होता है, उसकी कंसिस्टेंसी आपको पता होती है उतना ही गाढ़ा हो जाएगा, और रखने से ठंडा करने से भी गाढ़ा होता है। सेकेंड रेसिपी आ है गुलाब जो शरबत, ठीक है, ये भी तमाम आसान है। इन लाइ असं खणंदासीं हिते खंड केतिरी 750 ग्राम टे पाव खंड, ठीक है, 3 पाव चीनी 750 ग्राम, इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। ये पूरा मेजरमेंट कप है मेरे पास, ये नहीं है तो कप सासर वाला कप ले लें, ठीक है। 1.5 कप पानी चला गया और इसका बनेगा शीरा। स्पून चेंज करते हैं कलर, इसमें ग्रीन लगा हुआ है, स्पून का भी ख्याल रखिएगा कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है, वो ये ना हो कि ग्रीन से मिलके डिफरेंट का पर्पल शेड आ जाएगा नहीं तो, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह डिसॉल्व करना है, चाशनी सी बनेगी, शीरा बनेगा, ठीक है। 750 ग्राम खंड, 1.5 कप पानी, ठीक है, देखो ईजी है गुलाब जो शरबत। 750 ग्राम यानी 1.5 खंड ऐं 1.5 कप पानी, ठीक है। हिन में असां छा विझंदासीं, ॻाढ़ो फूड कलर, रेड फूड कलर जाएगा, इतना डालना है कि इसका कलर रेड हो जाए, देख, ठीक है, बस हाफ टी स्पून से कम ही डाला मैंने, बहुत ज़्यादा मरून कलर ना हो, रेडिश कलर आना चाहिए। वो बॉयल हो रहा है उसका शीरा बनेगा, और ये फूड कलर लिक्विड में भी मिलता है, मेरे पास अभी ये अवेलेबल था, मैंने ये डाल दिया, ठीक है। इसको जो शीरो तैयार थी विंदो जडे पॉइंट में 1 कप अरके गुलाब यानी गुलाब जो पानी विझबो, ठीक है, बस पॉइंट के मिक्स करे थदो कंदासीं। अच्छा तिक्के जी रेसिपी में ॿुधायां थो, सिंधी में वा उर्दू में वा सफ़ीर? अच्छा हलो उर्दू पक, टिक्के वारी उर्दू में हुई ना अधी, ठीक है। चिकन टिक्का आपने लेना है बूटी, चिकन टिक्के के लिए जो आप पिज़्ज़ा के लिए कह रही हाँ, अगर हाफ के जी बूटी है तो उसमें 1 कप आपने सिरका डालना है, ठीक है, 1 कप सिरका, कप सासर वाला 1 कप सिरका डाल दें, पीसी लाल मिर्च डालें 1 चाय का चम्मच भर के, ठीक है। गरम मसाला पाउडर आपने डालना है 1/2 टी स्पून, ठीक है, 1 चाय का चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च भर के डालें, आधा किलो में गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और उसके साथ आपने क्या डालना है, सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच भुने, भुनने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में लाएं और वो भुना पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालें, पिसी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, गरम मसाला पाउडर, ठीक है, बस ये 4 चीज़ें इसमें डालें, और चाहें तो हल्दी पाउडर डालना चाहें तो वो डाल दें थोड़ा सा, वैसे ज़रूरत नहीं। और जो टिक्के का कलर आता है रेड फूड कलर आता है यही वाला, बल्कि यही डाल दें, रेड फूड कलर डाल सकती हैं ये भी, और येलो फूड कलर जो आता है दोनों में से कोई भी एक डाल दें, उसको स्पून से या हाथ पे कुछ शॉपर या कुछ ऐसे चढ़ा के उसको अच्छी तरह मिक्स करें, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दें, उसको फिर आप 2 घंटे छोड़ दें, मैरिनेट हो जाएगा अच्छी तरह, ठीक है, सिरके के साथ वो बिल्कुल अंदर तक फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद चाहें तो बारबेक्यू करें स्टिक्स पे लगा के, चाहें तो फिर तवे के ऊपर उसको बोटियों को फैला दें, कलर आता जाएगा और पकती जाएंगी, 10 मिनट में आपकी वो बोटियाँ तैयार हो जाएंगी, फिर आप जब पिज़्ज़ा बनाएंगे उसके ऊपर वो सॉस लगा के और ये बोटियाँ डाल दें, और जो आप वेजिटेबल्स चीज़ जिस तरह डालना चाहें बहुत ईजी है, ठीक है। कॉल बटन था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अदी केरे किथां गलायो पिया? अदा सा नवाब शाह मंगलन जा शाह जा, ख्याल आ ठीक हो? बिल्कुल दुआ अदी ता जी, प्रोग्राम दिसो पिया जी, अदी अदा कुछ फरमाइश है? प्रोग्राम सु तो अदी ता सांग पुछन छे ना, दाशक पर जो उठायो पिया ना शरबत? हां जी, यो ता के मत अच्छा रिपीट करा सा, लाइट को नहीं हां लाइट आई है बई शरबत मा रिपीट करा तो एकड़ो मा टाइम पे इलायची जो शरबत एकड़ो गुलाब जो शरबत बई रिपीट करा अच्छा येदा भी असन दिखरी फरमाइशन करेलन सीजन असन करेलन भाजी खान सिखारो कीमे वाले हां करेलन जो फरमाइश भी आयला है त मां दिसा तो आचर वारे दी ठाया तो ठीक है अच्छा चलो ठीक है दा तारी पूरी सिम टीम के सलाम वालेकुम अस्सलाम पंजो के आलक जो मेहरबानी अदी अल्लाह हाफिज हे रिसो हिन में शीरो तैयार थे पे खंड जो पानी की खबर पैंदी है हे रिसो बबल्स ठन पिया ये बबल्स बन रहे होते हैं तो चीनी का जो पानी होता है ये निकल रहा होता है ठीक है ये जब ड्राई होना शुरू हो जाएगा ये शीरा बन जाएगा बस ये रेड शरबत जो होता है गुलाब का ये जल्दी तैयार हो जाता है ठीक है ये अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है दोनों में मैं स्पून चला रहा हूँ ताकि इसमें भी टाइम है इसमें क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है चीनी की क्वांटिटी कम है तो इसको ज़्यादा पकाना है और ये जो है गुलाब का शरबत ये जल्दी पक जाएगा ठीक है और ब्रेक के बाद फिर नेक्स्ट जो ब्रेक आएगा उसमें शरबत हम बनाएंगे बर्फ़ डाल के जिस तरह बनाते हैं वो आप अपने हिसाब से फिर बना लीजिएगा ठीक है मैं भी आपको बना के दिखाऊँगा
जो कलर बस वधिक मां गाढ़ो कोन कयो आहे एतिरो हुजे की खूबसूरत लॻे वधिक गाढ़ो करण खां छा थींदो बिल्कुलु डार्क रेडिश टोन में अची थो वञे एतिरो बि न हुजे ठीकु आहे अच्छा रेसिपी मां हिनजी मेथड ॿुधायां थो तरीक़ेकार छा आहे इलायची जो शरबत कीअं ठाहियो आहे इलायची जे शरबत लाइ असांखे छा खपे असां खणंदासीं नंढा फोटा इलायची जेको हूंदी आहे हिकु कप खणिजो हुनखे चार कलाक पिसाए रखिजो ॿ लीटर पाणी यानी अठ गिलास पाणी सां गॾु पिसाए रखिजो ठीकु आहे चार खां छह कलाक पिसाइण खां पोइ हुनखे या त हथ सां माटे छॾिजो चङी तरह हथ धोई हुन में विझिजो या पोइ हिकिड़े हिकिड़े दाणे खे माटंदो हुनजा ॿिज निकिरंदा वेंदा सभिनीनि जा ॿिज निकिरी वञनि पोइ हुनखे चुल्हे ते चाढ़े छॾिजो वीह खां टीह मिंट यानी वीह मिंट खां अधु कलाक ताईं तव्हां हुनखे बॉयल कजो तेज़ बाहि ते चङी तरह बॉयल थिए इलायची जो नंढे फुटनि जी ख़ुशबू निकिरी अचे चङी तरह हुनजे अंदरि ज़ाइको अची वेंदो कलर चेंज थींदो पाणी जो पोइ पाणी खे छाणी छॾिजो ठीकु आहे छाणे छॾिजो हुनजी इलायची खे चङी तरह मसलजो मथां जेतिरो हुन में ॿिजनि में फ्लेवर आहे सभु निकिरी वेंदो उहो हटाए छॾिजो पोइ हुन पाणी खे वापसि तव्हां विझंदो पतीले में ठीकु आहे वापसि विझण खां पोइ ॿ कप तव्हां खंडु भरे विझंदो अढाई कप बि करे सघो था ॿ कप खंडु भरे विझंदो साओ कलर मिलंदो आहे ज़रदे जो रंग हूंदो आहे हिन तरीक़े सां साओ कलर मिलंदो उहो अधु चांहि जी चमची जेतिरो विझी छॾिजो ठीकु आहे उहो विझण खां पोइ छा कजो रू केवड़ा मिलंदो आहे केवड़ा वॉटर हूंदो आहे केवड़े जो पाणी मिलंदो जेको असां ज़रदे में बि यूज़ कंदा आहियूं उहो ॿ खंड जा चमचा भरे विझिजो ऐं हुनखे पोइ पचाइण रखी छॾिजो अधु कलाक ताईं जॾहिं हुन में शीरो अची वञे खंड जो पाणी ड्राई थी वेंदो घाटो थियणु लॻंदो घाटो शीरो जीअं शरबत वांगुरु तयारु थी वञे पोइ हुनखे लाही थधो कजो सफ़ा थधो थी वञे बोतल में भरे या कंहिं दब प्लास्टिक सॉरी शीशे जे हुनमें जार में भरिजो प्लास्टिक यूज़ न कजो ठीकु आहे प्लास्टिक आहे त सुठी कंपनी जो आला कंपनी जो प्लास्टिक हुजे न हल्के वारे प्लास्टिक में न रखिजो थधो करे रखी छॾिजो फ्रिज में टे महीननि ताईं शरबत ख़राबु कोन थींदो पोइ हुनखे जेतिरो तव्हांखे ठाहिणो आहे हिकु गिलास पाणी में ॿ खां टे या चारि खंड जा चमचा विझी बर्फ़ विझी मिक्स करे तव्हां यूज़ कजो ऐं इहो शरबत रमज़ान जे लाइ बहितरीन आहिनि काफ़ी सारा फ्लेवर तव्हांखे ॿिया बि ठाहिणु सेखारींदमि इनशाला हिन ई महीने में ठीकु आहे अॼु मां ॿ ठाहिणु सेखारिया आहिनि त इहे ज़रूरु ट्राए कजो गुलाब जो शरबत भी तव्हांखे ॿुधायां थो ठीकु आहे इसका रिपीट करा रहा हूं जो हमने इलायची का शरबत बनाया इसके लिए हमने इलायची लेनी है एक कप इलायची लेनी है छोटी अच्छी क्वालिटी की लें दो लीटर पानी आठ गिलास पानी के साथ उसको भिगो दें चार से छः घंटे कम से कम चार घंटे भिगोने के बाद हाथ धो के फिर उसमें डालें और सारे दानों को अच्छी तरह मसलते रहें ताकि दाने सारे इलायची के खुल जाएं बाहर आ जाएं उस पानी को अगेन आपने चढ़ा देना है कढ़ाई में पतीले में बॉयल करें 20 से 30 मिनट तक अच्छी तरह तेज़ आंच पे बॉयल करते रहें उसके बाद छान लें उसको ठीक है छानने से क्या होगा उसका सारा फ्लेवर पानी में आ जाएगा और उसको अच्छी तरह मसल लें स्पून से छन्नी के ऊपर सारे बीज वगैरह सब निकल जाएंगे उसके बाद आपने उसको दोबारा चढ़ाना है दो से ढाई कप चीनी मैंने दो कप चीनी डाली काफ़ी अगर आप चाहें तो ढाई कप चीनी डाल सकती हैं ग्रीन फूड कलर डाल दें हाफ टी स्पून लिक्विड फॉर्म में या बॉटल में आता है पाउडर फॉर्म में वो डाल दें और उसके साथ आपने क्या करना है उसको अच्छा बॉयल करने रखते हैं और केवड़ा वाटर लें रू केवड़ा जो होता है केवड़ा वाटर अच्छी कंपनी का लें तेज़ वाला वो डाल दें अगर वो नहीं है तो केवड़ा एसेंस आता है शीशे की बोतल में वो हाफ टी स्पून से कम डालें उसको इतना बॉयल करें कि वो गाढ़ा सा शीरा बनना शुरू हो जाए पानी कम हो जाए उसका ठीक है उसके बाद उसको ठंडा करें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल ठंडा हो जाए चार पाँच घंटे तक छोड़ दें उसको कवर करके छाली लगा के या कुछ ऐसा मलमल का कपड़ा पंखे के नीचे रखें उसके बाद बोतल में भर के तीन महीने तक आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकती हैं ठीक है अगर ज़्यादा बनाना है तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर सकती हैं या दोबारा बना लें रमज़ान के लिए है जो सेकंड आ है रेसिपी गुलाब जो शरबत में ठाया है जो इन लाइन 750 ग्राम खंड यानी टे पा खंड ठीक है पतीले में या कढ़ाई में विझंदो हुन सां गॾु ॾेढु कप पाणी विझंदो टे पा खंडु ॾेढु कप पाणी विझी जी चाश ठाहिजो हुन सां गॾु ॻाढ़ो कलर विझिजो ॻाढ़ो फूड कलर अधु चांहि जो चमचो जेतिरो विधो ताकि इनजो कलर अची वञे ठीक आहे ऐं हिनखे मां पचायां पियो चङी तरह हे पचे पियो ॿियो कुझु अञा कुझु न विधो आहे जॾहिं ॾिसंदो हिन में चाश ठही वेंदी सफ़ा घाटो थियणु लॻंदो हिन में पोइ छा विझंदासीं गुलाब जो पाणी मिलंदो आहे अरके गुलाब हिनखे चइबो आहे हे नंढी बोतल आहे हिन हिकु कप पूरो विझिबो वॾी बोतल आहे त हुन मां बि हिकु कप कढी सघो त गुलाब जो पाणी हिन में विझंदासीं हिनखे मिक्स करे थधो कंदासीं इलाही पोइ इहो बि बोतल में भरिबो सफ़ा थधो करे पोइ जॾहिं बि तव्हांखे गुलाब जो शरबत ठाहिणो आहे बर्फ़ विझो हिकु गिलास पाणी में ऐं टे खां चारि खंड जा चमचा इहो विझी मिक्स करे ऐं तव्हां यूज़ करे सघो था ब्रेक जो टाइम अचे पियो ब्रेक खां पहुची असां हिनखे कढी तव्हांजे साम्हूं सर्व कंदासीं ऐं मां ग्लास में ठाहे ॾेखारण वठो था शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं
जेके हे शरबत तैयार थे रेड वारो ठीक है। अब रेड शरबत तैयार हो गया बिल्कुल, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है, इस तरह ये गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर, एक कप, पूरा एक कप है ये बोतल ठीक है। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अरके गुलाब, गुलाब का पानी जो होता है वो डालना, केवड़ा वाटर नहीं है ठीक है, केवड़ा वाटर ना है, अरके गुलाब है। ये डाल के इसमें मिक्स किया और चूल्हा बंद कर दिया। इसमें ज़बरदस्त खुशबू आ रही गुलाब की, क्योंकि अरके गुलाब हमने डाला। अब इसको हम निकाल देते हैं एक बड़े से प्याले में, क्योंकि बोतल में तो आप डाल नहीं सकते फ़ौरन, तो हम इसको एक बड़े बॉल में निकालेंगे, क्योंकि ठंडा हो जाए बिल्कुल, जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा शरबत, देन आपने इसको भरना है ठीक है। बोतल में कीफ के ज़रिए जो होती है उसके ज़रिए आपने भरना है। इसको आप देख सकते हैं ठंडा हो गया, गाढ़ा हो गया। सेकेंड वाला ये भी निकाल लेते हैं, ये और गाढ़े होंगे जब ये कलर आप इनके टाइम देंगे, इसको रखेंगे तो ये और भी गाढ़े हो जाएंगे शरबत ठीक है। ग्रीन वाला भी निकाल देते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका शरबत बनाना सिखाता हूँ, ये इलायची वाला ठीक है। इलायची वालों शरबत, इलायची शरबत आई गुलाब शरबत भाई तैयार थी भैया। सब होता ग्रीन कलर जो रेड कलर ठीक है, ज़बरदस्त है बस शरबत है। हाँ है कि असं ग्लासेस में ठाकूँ था ठीक है, बर्फ़ से गड तक ठंड से खाने था, बर्फ़ विझंदी गरम आए ठीक है। लेकिन मैं तक बुधाया पे थोड़ी बर्फ़ और देते मुझे इसमें, गरम आए हैं लेकिन इनके ठाईंदी ज़रूर, पानी सड़ंदी हसबे ज़रूरत ठीक है। और इसमें पहले शरबत डालते हैं रेड वाला, इसी में से आपने कितना डालना है डिपेंड करता है ठीक है। मीठा आप लोग अपने हिसाब से, मैं चार डाल रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा मैंने कलर डार्क नहीं दिया है, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेड टोन पसंद है तो आप इसमें कलर बढ़ा सकती हैं। वैसे मैं हमें ये चार चार चम्मच मैंने इसमें डाल दिया ठीक है। इसके बाद हम इसको डिजॉल्व करेंगे, अच्छी तरह मिक्सअप करें। गरम है ठीक है, गरम आपको जस्ट मैं बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग ठंडा करके अपनी तरीके से बना लीजिएगा। थी वो असो पानी भी ला के दे मुझे, और ठंडा पानी लेके जल्दी लाएँ ठीक है। कलर आप डार्क करना चाहें लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है इसका। वो जो होता है जो हम लेते हैं बॉटल्स में बाहर से जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट शरबत हैं, ये गुलाब का शरबत है ठीक है। इसका कलर इतना ही अच्छा लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से मीठा इसमें शरबत में डाल के और मीठा कर सकते हैं। अब बनाते हैं ग्रीन ठीक है, ग्रीन के चंदासी नंडे ग्लासेस में सुठो जेड़ो भी तुम ग्लास हुए पंजे हिसाब से तुम बर्फ विझे। गर्मी में ज़बरदस्त है शरबत है ठीक है। नहीं इनमें भी शरबत विझंदी ग्रीन वो पो मैसेजेस भी तुम पढ़ू था जी मैसेजेस आया हैं। बहुत गर्म है ठीक है, फिर ठंडा करके आपने बनाना है और रिपीट मैंने करा दिया। और ये सुबह 11:05 पे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है वहाँ पे ये हो जाएगा अपलोड। और यूट्यूब पे मेरा प्रोग्राम देखना चाहें तो वहाँ पे आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD, कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD ठीक है। है थी वो इलायची जो शरबत, कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD यूट्यूब ते सर्च कंदो तो मुझा प्रोग्राम ताके उते वीडियो मिली वेंदी प्रोग्राम जी। कल वारी भी अची वही हूँ, अज वारी सुभाने ताके मिली वेंदी या रात जो 12 का पो अची वेंदी अपलोड थी वेंदी 12 ताईं ठीक है। मिठो पो तां अगर वधी करण चाहियो तां हिन में ना वधाए जो मिठो, बस चाहे कि वो शरबत तां वधीक विझी छॾो। मुझे हमें एकड़े ग्लास जे हिसाब सां 4 चमच काफ़ी है ठीक है। ये हो गया आज का हमारा इलायची का शरबत, हाँ ठीक है, इलायची का शरबत और रोज़ गुलाब का शरबत ठीक है। भाई शरबत तैयार थी गया ज़बरदस्त, ये ज़रूर तुम ठाए जो मुझे फीडबैक दीजो जो कि तुम्हें क्या लगा। हाँ मैं मैसेजेस से अचान तो ठीक है, मैसेजेस भी होंदा वो भी पढ़ना ज़रूरी होंगे, काफ़ी हदीन जहाँ मैसेजेस होंदा। ये
तां सुबुह जो 11 लॻी 5 मिंट ते रिपीट में ॾिसजो ऐं मुंहिंजो पेज आहे कुकिंग विद शेफ फैसल हुते अपलोड थींदो। काशे सम्झ नथी अचे पुछणो हुजे त मूंखे मैसेज करे सघो था, मां राति जो ऑनलाइन हूंदो आहे पेज चेक कंदो आहियां 10 बजे 11 बजे पोइ तव्हांखे मां मैसेज जो रिप्लाई बि करे सघां थो। ठीकु आहे, ताहिर हुसैन डायो आहे, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई कैसे हो, आपका शो बहुत अच्छा है, आपसे आप समोसे कब बनाओगे? समोसे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उसकी पट्टियाँ बनाना सिखाऊंगा, मांदा पट्टी जो होती है कीमे के समोसे रोल के समोसों की पट्टियाँ एक दिन बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं समोसों की फिलिंग वगैरह सब इंशाल्लाह रमज़ान से पहले ट्राई कराऊंगा ताकि आप लोग सब सीख जाएं। ठीक है, अक्सा शेख अस्सलाम वालेकुम हाउस आर यू, आज मेरी नाइसी की बर्थडे है मिनसा की, आप प्लीज़ उससे विश कर दें। मिनसा हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, हमेशा खुश रहें, सिन टीवी की तरफ से मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ओके उसना हरीम अस्सलाम वालेकुम शेफ आप तह वाली बिरयानी बनाना सिखा दें। वालेकुम सलाम, तह वाली बिरयानी उसना हरीम तह वाली बिरयानी मैंने बनाई है, आप अगर इसी पेज पे जाएं तो आपको 10 से 12 किस्म की वैरायटी मिलेगी पेज पे बिरयानी की, सिंधी बिरयानी है, देग वाली बिरयानी है, बम्बई बिरयानी है, तह से बनाई है काफ़ी सारी, आप ढूंढ लीजिएगा, ना मिले तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, बाकी बनाऊँगा इंशाल्लाह दोबारा। अच्छा नाइस ये हैं आर बलोच जमाली, नाइस रेसिपी अदर, ठीक है यही मैसेजेस हुआ अजो का। ठीक है सफ़ी टाइम केतिरो आहे? ठीक है ॿई रेसिपियूं सुबुह जो 11:05 ते रिपीट हलंदियूं ऐं कुकिंग विद शेफ फैसल मुंहिंजो पेज आहे, वीडियो ॾिसणी आहे तव्हांखे अगरि लाइट हली थी वञे यूट्यूब यूज़ कंदा आहियो यूट्यूब ते कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD तव्हां सर्च कंदो मुंहिंजी वीडियो आहिनि हुते काफ़ी सारी अपलोड थी वियूं आहिनि, इहा बि तव्हांखे मिली वेंदी। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दुआनि में यादि रखिजो, तेसिताईं अलाह हाफ़िज़। रिश्तों में मिलता है हंसने से खिलता है मिलने से बढ़ता है अपना सा लगता है सबको ये चाहत का अंदाज देता है सेहत को ऊंची ये परवाज देता है जायका बढ़ाता है दिल को ये भाता